आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरे फॉर्मूला। एरे फॉर्मूला, जैसे कि हमने कल की क्लास में बताया था कि एरे के दो पार्ट होता है, एक कैलकुलेशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। और दोनों के मैंने आपको एक एक एग्जांपल बताए थे। अब चलिए उसके वन बाय वन चलते हैं। हम बात करेंगे आज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये एरे फॉर्मूला में जो हम नंबर्स देते हैं या जो हम वैल्यू देते हो वो अलग अलग सेल पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है और उससे क्या बेनिफिट होता है, वही आज की इस क्लास पे हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास डेटा है और मुझे यहाँ पे मेल फीमेल की टोटल करनी है। मुझे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे मेल एंड फीमेल है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का सिलेक्ट करूंगा और सब्जेक्ट करूंगा सम, सम इफ होगा, माफ कीजिएगा, सम इफ। सम इफ में हमने रेंज दे दिया और क्राइटेरिया में हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में दे दी, कर्ली ब्रैकेट में हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया और मेल कॉमा फीमेल कर दिया। और फिर हम सेल वैल्यू को परचेज कर लेते हैं जो भी हम जिसको लेना है एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर, रिजल्ट आपके सामने आ गया। ऐसे एक एक करके ड्रैग करना पड़ता तो होता। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे चाहिए दो तीन लोगों का टोटल, तो मैं यहीं पे लिखूंगा सम और लिखूंगा सम इफ, सम इफ। और हम रिजल्ट देंगे यहाँ पे, मान लीजिए कि इसमें सेल्स पर्सन में पूजा और कर्ली ब्रैकेट में मैंने दे दिया इन्वर्टेड कॉमा में पूजा कॉमा मोहन, मोहन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, इसको सिलेक्ट किया और हम सम रेंज में आ गए। और कंट्रोल शिफ्ट एंटर कीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। ये कैसे परफॉर्म किया, चलिए इसके बारे में हम फॉर्मूला को एवलुएट करके देखते हैं कि आखिर ये कैसे वर्क कर रहा है। देखिए समीफ ने वर्क किया और समीफ ने दो रिजल्ट दिया। और यहां पे आ गया एवलेट और रिजल्ट आ जाता है। इस तरह से इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ऐसे यहां पे आपको अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो अब चलिए इसी में हम वी लुकअप एग्जांपल करें। देखिए वी लुकअप एरे के डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को सपोर्ट करता है, कैलकुलेशन पार्ट को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए ये इसी में हम चलते हैं कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे आईडी वन एंड आईडी टू की क्वांटिटी को टोटल करना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता। ऐसे यहाँ पे मान लीजिए कि आईडी वन एंड यहाँ पे मैं वी लुकअप लगा सकता हूँ और वी लुकअप में मैं कर्ली ब्रैकेट में 1,10 लिख दूंगा और हम अपने डेटा रेंज में जाते हैं और डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं कॉमा 2,0, 2 नहीं माफ कीजिएगा, इसके रिजल्ट क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,0 और हम कंट्रोल सिर्फ एंटर मारते हैं तो यहाँ पे रेफरेंस आया। अच्छा हाँ, रेफरेंस आया क्योंकि मुझे सिलेक्ट करना था एम तक और हमने सिलेक्ट किया ई तक, एम तक करना था एम। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, यह रिजल्ट डीवीडी 11 है 12 रिजल्ट आया। अगर मैं दो जगह पे करूं F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो दोनों रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब इसमें अगर मैं दोनों को सम करना चाहूं कि मैं दो जगह ना करके मैं सम कर दूं इकट्ठे इसको, तो यहां पे अगर आप सम करते हैं और सम करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर देते हैं
यहाँ पे मैं सम करता हूं और कंट्रोल सिर्फ एंटर करता हूं, रिजल्ट आपके सामने आया 755। तो अगर मैं अलग अलग सेल पे किया था कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो 755 और 282, मतलब कि ये रिजल्ट आए थे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको कॉपी कर लेता हूं, इक्वल सम, मैं चाहता हूं दोनों का टोटल मुझे यहां पे दिख जाना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो 775 ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वी लुकअप कैलकुलेशन पार्ट को देखिए, यहां पे अलग अलग चला, ए आपका एक ही बार चला रहा है, दो बार नहीं चला रहा है। अगर मैं यहाँ पे कॉमा के जगह पे सेमी कॉलन कर दूं तो क्या होगा देख लेता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, फिर वी एक ही देगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्मूला जिसे हमने अभी आपको सामने डेटा में सम का इस्तेमाल किया हुआ है, सम इफ का, तो यहाँ पे तो देखिए सम करके दोनों को इकट्ठा हमने सम कर लिया, बट इसमें हमने वीलुकअप में ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसका रीजन ये है कि स्पेशल रूल कहता है कि जिस फॉर्मूला का रिजल्ट सिर्फ नंबर है वही आप एरे की कैलकुलेशन को सपोर्ट करता है, जिस फॉर्मूले का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है उस फॉर्मूला एरे के कैलकुलेशन को सपोर्ट नहीं करता है बट डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करता है। जैसे कि वीलुकअप का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट कर रहा है, कैलकुलेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एरे लेना है या कैलकुलेशन के लिए एरे लेना है तो आप फॉर्मूला लेते समय इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि ए एरे को सपोर्ट करेगा कैलकुलेशन में या नहीं करेगा। अखिल जी, संतोष जी, समझ में आया आपको? हेलो, चलिए अखिल जी, समझ में आया आपको? शायद आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अब इसमें हमने सेमी कॉलम क्यों लगाया? देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको कॉलम बाय डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यू कैन यूज द कॉलम, अगर आपको रो बाय डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि मैं यहां पे अगर मान लीजिए इक्वल वी लुकअप दूं और मैं यहां पे इस कॉमा को सेमी कॉलन कर देता हूं तो मैं इसको रो वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। मतलब होता क्या है, इक्वल हमने कर्ली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 और फिर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन दे दिया और लिखा 5, 6, 7, 8। अब इसको ध्यान से देखिए, जो आपका कॉमा लगा हुआ है वो आपके कॉलन है, जो आपका रो लगा हुआ है वो आपका सेमी कॉलन लगा हुआ है वो आपका रो है। अब मैं देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं कंट्रोल शिफ्ट एंटर से, तो देखिएगा 4 के बाद की जो चीज है वो नीचे जाएगी, 5 बार नीचे से जाएगा क्योंकि 4 के बाद जो है वो सेमी कॉलन लगा हुआ है, इसका मतलब वो रो चेंज करेगा। तो अगर आपको कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है यू कैन यूज द कॉमा, अगर आपको रो वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यूज द सेमी कॉलन। अब इसका एक और बेनिफिट है, चलिए हम आपको बेनिफिट के बारे में समझाते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ कोड्स हैं, उस कोड्स के ऊपर कुछ नेम डले हुए हैं या कुछ प्रोडक्ट डला हुआ है और मेरे सिलेक्टेड 5, 10, 15, 20, 50 ऐसे हैं, फिक्स है हमारा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोड लिखूं और यहाँ पे नेम आ जाए तो जनरली आप इसके लिए वी लुकअप इस्तेमाल करते हैं, वी लुकअप, और हमने इस कोड को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा 2, 0 रिजल्ट आ गया। बट इसके लिए मुझे यहां पे इस डेटा को रखना पड़ेगा,
मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डेटा फॉर्मूले के अंदर में हो, जिसके लिए हम इफ फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारा इफ लगेगा। अगर मान लो 50 हुआ 40 हुआ तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं वी लुकअप लगाते समय वी लुकअप के अंदर रख सकता हूँ कि मैंने इसको लिया, मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा कि 5, पूजा। अब फाइव और पूजा के बीच में एक कॉमा है, कॉलन है, तो हमने कॉमा दिया। अब पूजा और 6 के बीच में जो है सेमी कॉलन है, तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन देता हूं और देता हूं 6, नीरज, फिर सेमी कॉलन, 7, कविता, फिर सेमी कॉलन, 8, ओम। इस तरह से क्लोज किया, (2, 0) आ गया आपका नीरज, 6 पे नीरज है। लेकिन बात तो वही हो गई ना, जब हमारा बहुत बड़ा डेटा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको ड्रैग कर देता हूं, इतना बड़ा डेटा है और इस पे हमारे नंबर है 1001, इस तरह से। अब इस डेटा को मैं अगर वीलुकअप में लिखने चलूं तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो मैं चाहता हूं इसको इजीली कर लिया जाए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करता हूं और जाता हूं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड को खोलता हूं और इस एमएस वर्ड में हमारे पास यहाँ पेस्ट में आता है पेस्ट स्पेशल, और इसमें आता है हमारा अनफॉर्मेटेड यूनिकॉर्न टेक्स्ट। अभी हमें क्या करना है, हमें जो एक टैब है बीबीएस को टैब है उसको कॉमा करना है और पैराग्राफ को हमें सेमी कॉलन करना है। तो मैंने पूरे को सिलेक्ट किया और कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है, उस रिप्लेस को हमने खोला फाइनल रिप्लेस, और इस मोड पे गए, स्पेशल पे गए, मैंने बोला टैब करेक्टर को कॉमा बना दो, हमने रिप्लेस किया रिप्लेस ऑल, तो सारे टैब में कॉमा हो गया। फिर मैं पैराग्राफ मार्क को बोला सेमी कॉलन बना दो, तो ये हमारा सेमी कॉलन हो गया। अब इसमें हमें इनवर्टेड कॉमा लगाना, लेकिन इनवर्टेड कॉमा मैं यहां नहीं लगाऊंगा, इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, कॉपी, और यहाँ इक्वल उसको पेस्ट कर देता हूँ, इक्वल नहीं पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल एच, और मैंने बोला कि कॉमा को रिप्लेस कर दे स्टार्टिंग कॉमा और स्टार्टिंग इन्वर्टेड कॉमा। फिर मैंने बोला कि सेमी कॉलन को रिप्लेस कर दे क्लोजिंग सेमी कॉलन एंड कॉमा सेमी कॉलम रिप्लेस ऑल। पहले और बीच में हो सकता, लास्ट में हो सकता है एक आध को रह गया हो, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा रह गया है, इसको मैनुअली कर दीजिए, फिर इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। अब यहां पे अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूं, और वी लुकअप लगाते इसमें लुकअप वैल्यू और कर्ली ब्रैकेट में मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया एंड (2, 0) तो यहाँ पे अगर मैं 1006 करता हूं तो ओम आ गया। पर प्रॉब्लम वही हो गया यहाँ पे कि इतना बड़ा डेटा रखना मुश्किल है, तो मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया और मैं इसको सिलेक्ट किया और फिर मैं डिफाइन नेम में चला गया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा, और यहाँ जहां पे हम हैं वहां पे इक्वल किया, ये कॉमा लगा रह गया, इसको डिलीट करा दीजिए। हाँ, हमने पेस्ट करके ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए 009 का चाहिए मुझे,
तो मैं यहाँ पे वी लुकअप और इसको सिलेक्ट करूंगा, इसके अंदर डेटा को कॉल करूंगा एंड कॉमा 2,0, ये आपका आ जाएगा। समझ में आया सर? अखिल जी समझ में आया? हाँ सर। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, और कल भी आपने बोला था मैंने, लेकिन आप लोगों ने बना के नहीं भेजा मुझे, मुझे इस तरह के एरे के 10 एग्जाम्पल बना के भेजिए, फिर मैं कल आपको एरे जो है एरे में कंडीशंस लगाना आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे एरे के अंदर कंडीशन लगा के अपना रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, आज आपने डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेशन के बारे में अच्छे से समझा, फिर हम कल कल जो है कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम उस पे हम अलग अलग कंडीशंस पे रिजल्ट लेंगे।